बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस। गाइस आज रमज़ान का 16वां रोज़ा है, 16 रमज़ान है और सहरी का टाइम है। अभी मैं जा रहा हूँ रोटियाँ लेने तंदूर से, क्योंकि रूम में तो रोटियाँ लगाते नहीं हैं तो बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। टाइम हो गया इधर 3:20 हो गए हैं। ये देखो सहरी का टाइम है तो ये बॉलिंग कराने लगे हैं। और ये देखो ये लोग अभी सोए उठ रहे हैं, देखो ध्यान करो अभी। ये देखो ये अपना प्यारा भाई खिलादा भाई, व्लॉग बन रहा है भाई, व्लॉग बन रहा है, नेट पे चले। ओए होए ये एडिडास है, ये तो फिला है भाई झूठे। जी सहरी की तैयारियाँ, रोटियाँ वगैरह मैं ले आया हूँ जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी सालन के इंतज़ार है, बाकी सारे देखो बिरयानी पड़ी है। बिरयानी नहीं भाई, भूख लग जाएगी 10 बजे फिर दोबारा। जी तो गाइस ड्यूटी के लिए रेडी हो चुका हूँ मैं, ये देखें यूनिफॉर्म है। अभी इधर हमारी कंपनी की गाड़ी आएगी, पिक करेगी हमें, तो 4:40-4:50 हो गए, 10 मिनट रह चुके हैं, 5 बजे गाड़ी आएगी, तकरीबन 3-4 मिनट का ही स्टाफ से 3-4 मिनट का हमारा इधर से हमारे रूम से फासला है, डिस्टेंस है, तो अभी पहुँच जाता हूँ। अरे यार ये देखो ये कैसा चांद अपनी आबो ताब से चमक रहा है। बस स्टॉप पे खड़े हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, अपनी गाड़ी आ चुकी है, सारे दौड़ खड़े हैं, अभी देखना क्या 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 होगा इधर। इसी सीट पे आके बैठ जाऊँ। ये अपनी कंपनी की गाड़ी है, सारे जा रहे हैं ड्यूटी पे।
जी गाइस, अभी हो गया हमारा छुट्टी का टाइम, हो गया घर जाने लगे हैं, तो बाकी की आगे आपको अपडेट देते हैं। ये दोस्त आ रहे हैं हमारे, देखो ये फलक भाई आ रहे हैं, फलक भाई पीछे बैठे, ये फलक भाई। तकरीबन 3 मिनट का ये फासला है बस स्टॉप से, जिसकी से वापस आ गए हम। जी तो गाइस, मैं घर पहुंचा हूं, तो अभी चेंज करना है, चेंज करके आता हूँ फिर। हाँ जी गाइस, चेंज वगैरह कर लिया मैंने, एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोड भी करना है। जी तो गाइस, अभी मैं फ्रेश वगैरह होके आ गया, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने, तो अभी कुछ इस तरह का स्केड्यूल है कि अभी हम अपने कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे जो हमने बनाया था कल, तो एडिटिंग करके अपलोड भी करना है, उसे अपलोड करेंगे और साथ साथ आपसे बात भी होगी, और मज़ीद इफ्तार का भी कुछ बनाना है साथ, तो हेल्प वगैरह करनी पड़ेगी ये भाई लोगों के साथ। जी तो गाइस, ये देखें, ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है, इधर गफरान भाई क्या बना रहे हैं, गफरान भाई क्या बन रहा है, समोसे बन रहे हैं। ये पट्टियाँ कैसी हैं यार, ये क्या चल रहा है, देखो जी ये लंबी लंबी पट्टियाँ, ऐसा बंद करो ये, इधर क्लोज करो, देखो आपका समोसा बन रहा है, इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा लगाना पड़ता है, सारा काम टेक्निकल हो गया जी, टेक्निकल इसके अंदर ये फिलिंग करें, ये देख लो ये फिलिंग इसके अंदर भर दी है, इसको थोड़ा सा लगा के इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, आधा समोसा यहाँ बन गया, इसको यहाँ पर क्लोज करो, इसको यहाँ पर क्लोज करो, एंड पे अभी थोड़ा सा ये लगा। वैसे ये लग क्या रहा है, ये है क्या चीज़, मैदा है, मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको लेवी सी बनाई हुई, सही है ये देखो, लेंज रेडी हो गया, ये तो रेडी हो गया, समोसियाँ बन रही है, टेक्निक होती है, टेक्निक है भाई, टेक्निक है, देखे सही, ये पट्टी समोसा बना। ये तो गाइस आपने देखा कैसे आजकल के समोसे बन रहे हैं, देसी तरीके से तो और तरीके से बनते थे, वो घरों में वो रोटियां छोटी छोटी करके बना के उसका करना, तो अभी देख लीजिए ये आउट ऑफ कंट्री में बंदों की सहूलत के लिए ये कैसा तरीका इन्होंने ना बना लिया, तरीका पुराना ही है। अच्छा हाँ, चीजिंग है ये पट्टियाँ बना दी, अदरवाइज वही मैं बात कर रहा हूँ, जो
वो छोटी सी रोटी बना के उसको फिर वो ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके बनाते थे। हाँ वही है ना, वही चल रहा है, वही चीज़ है, वही चीज़ है। अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है तकरीबन 5 हो गए, मेरा ख्याल है 5 हो गए हैं। तो अफ्तारी की तैयारियाँ जा रही हैं, तो आगे भी आपको मज़ीद दिखाता रहूँगा। जी तो गाइस ये देखें जी, इफ्तारी की तैयारियां जोरों शोर से भाई लोग लगे हुए हैं। ये देखो यार, क्रिस्पी एंड क्रंची समोसे। इफ्तारी की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं, समोसे वगैरह बन गए हैं, चाट हमने बना ली है, अभी बस सब्जा वगैरह डाल रहे हैं, वो भी ये देखें जी रेडी कर रहे हैं। फ्रूट चाट वगैरह भी रेडी हो गई है। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है।